Whistling Woods International Acting School with founder Subhash Ghai hosted a special premiere of Alankrita Srivastav's film Lipstick Under My Burkha. Stars of the film Ahana Kumra and Plabita Borthakur were also present at the screening along with director Alankrita Srivastav. The three ladies interacted with the media at length on the film, including the A certificate and censor issues that the film had dealt with. हम बहुत खुश हैं और हमारी expectations से बहुत ज़्यादा बेहतर किया है फिल्म ने. And I think more than even when people say कि box office में इतना अच्छा क्या, for me it's not about the numbers, but मुझे लगता है कि इतने नंबर्स का ये मतलब कि इतने सारे लोगों ने पिक्चर देखी और हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया फिल्म को रिलीज़ करने के लिए. तो आई थिंक फॉर सो मेनी पीपल इन इंडिया टू वॉच द फिल्म, आई पर्सनली फील वेरी विंडिकेटेड एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग बिकॉज ऑल्सो यू नो इट्स बिन सो लॉन्ग, इट्स टेकन अस सो लॉन्ग टू एक्चुअली गेट द फिल्म आउट. And I think the fantastic thing is that the film is available on Amazon Prime Video in India. So anybody who's missed it in the theaters can watch it there. मुझे हमेशा लगा था कि India के लिए, not necessarily for the rest of the world, India के लिए ये film adult category में ही certified होगी. तो जब हम लोगों ने apply भी किया था, हम काफी clear थे कि ये adult film होगी. Adult certification जब film को मिलता है, तो India में टेलीविजन चैनल्स पे वो फिल्म नहीं चलती है, आपको नया कट लेना पड़ता है, करना पड़ता है यूए के लिए. तो ये तो क्लियर था मेरे माइंड में कि दूसरे कंट्री में शायद ये 12 प्लस या 14 प्लस या 15 प्लस हो, पर इंडिया में आई नहीं उसको नया फिल्म. तो मैंने उस तरीके से सोचा नहीं कि वॉट आर फैमिली इज गोइंग टू डू व्हेन दे वॉच इट टुगेदर. मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है अगर फैमिलीज ये फिल्म एक साथ देखें. काफ़ी चीज़ें जो मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी कन्फ्रंट नहीं करती और हम बहुत इनहिबिटेड हो जाते हैं, हम ओपनली सेक्स के बारे में बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बात नहीं करते और ये बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है और इतना डिसकम्फर्ट होता है. तो पर फ्रैंकली स्पीकिंग वो सारी बाद की बातें हैं. इनिशियली आई वॉज नॉट रियली थिंकिंग एट ऑल अबाउट दिस और मुझे ये भी नहीं कभी लगा था कि ये कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है. ये बहुत छोटी सी फिल्म थी और मुझे बस लगा कि शायद होगा जब हम सेंसर बोर्ड में जाएंगे, कुछ दो चार कट्स वो लोग शायद मांगेंगे, वो पे मैं अग्री करूँगी नहीं करूँगी. तो उस लेवल पे मुझे लगा था कि कुछ होगा, बट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग देयर टू बी एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. एंड एज फार एज पीपल नॉट एक्सेप्टिंग द फिल्म, आई थिंक पीपल आर रियली एक्सेप्टिंग द फिल्म. एंड आई फील इवन इफ पीपल द फैक्ट कि अगर उनको लगता है कि उनको इतनी बात करनी चाहिए इस फिल्म के बारे में, कहीं में कोई चीज़ उनको चुभी नहीं.